जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती में कीट और बीमारी को गन चिकित्सा द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है और किसी भी असाध्य बीमारी का इलाज भी हो सकता है, जिसमें हम हवन कुंड लेंगे। सुबह सुबह हमने अग्निहोत्र हवन सुबह सूर्य उगने पे और सूर्य बंद होने पे हमने पिछले वीडियो में बताया आपको, वो आप करिए। उसके बाद में फिर अपने खेत के अंदर में कुछ जगह पे ये गन चिकित्सा करनी है, जिससे बहुत सारे कीट होंगे, इलिया होंगी, गिडार होंगी और दूसरे तरह के इंसेक्ट होंगे, वो भग जाएंगे उस स्मेल से, या फिर जो होगा वहां स्मेल आएगी उसको, तो वो वहां अंडे भी नहीं देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ये सामग्री है जिसमें चावल है, अखंड चावल होना चाहिए 100 ग्राम, गाय का घी 10 ग्राम, सरसों की खली 500 ग्राम, नीम की खली 500 ग्राम, फूलों का सूखा हुआ चूर्ण, कोई भी फूल हो सकता है, जिसमें नागर मोथा 100 ग्राम, खस की जड़ 100 ग्राम, चंदन की लकड़ी पाउडर 100 ग्राम, हींग, हल्दी, गूगल, काली मिर्च 10-10 ग्राम, लाख हो या तो लाख की चूड़ियां तोड़ के भी डाल सकते हैं, गोंद हो 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, ये सभी सामान को मिक्स करके एक डब्बे में बंद करके रख लीजिए। और उसके बाद जब भी सुबह और शाम हवन करना हो उसमें से उतना थोड़ा ले लीजिए। उससे पहले, ये हवन करने से पहले मंगल हवन करना बहुत जरूरी है शुरुआत करने के लिए। तो मंगल हवन में 4 घी की बूंदें लेनी है, उसमें से चम्मच थोड़ा दिया, तो पहला मंत्र बोलना है भू स्वाहा, घी की आहुति डालनी है, अग्नेय इदम नमम। दूसरा है वायवे स्वाहा, घी की आहुति डालना है, फिर वायवे इदम नमम स स्वाहा, आहुति घी के, तीसरी बूंद सूर्य इदम नमम, भूर्भुवः स्वः स्वाहा, आहुति एक बूंद, फिर प्रजापतये इदम नमम। ये मंगल हवन करने के बाद फिर ये गन चिकित्सा वाला हवन करना है। ये हवन करने के लिए आप कोई भी उसमें मंत्र आप बोल सकते हैं और नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो। इसकी आपको 3 से 4 आहुतियां उसमें डालनी है अग्नि प्रज्वलित हो जाने के बाद, और फिर उसको या तो खेत में घुमा दीजिए और या फिर 4 जगह पर कर दीजिए। इससे सभी इसके गंध से वो सभी आपकी कीड़े वगैरह हैं जो अच्छे मित्र कीट हैं वो उनको कुछ नहीं होगा, जो खतरनाक हैं आपकी कृषि के लिए खराब करने वाले हैं, कोई बीमारी है, कोई फंगस वगैरह भी हैं, कोई बैक्टीरिया है, वो इससे दूर हो जाएंगे। ये तो हो गया खेती के लिए। फिर दूसरा, कभी किसी को कोई असाध्य रोग है, कभी कोई साइकोलॉजी से प्रॉब्लम है या कोई दूसरे और भी कोई रोग है, उसके लिए एक दूसरा उपाय है जिसमें एक हल्दी बिना उबली हुई हो 1 चम्मच और गूगल 3 चुटकी और गाय का देसी घी 3-4 बूंद, उसको मिक्स करके 3 हिस्से में ऐसे रख लीजिए या कटोरी में, तो उसमें वो आहुति देनी है और उसको जो भी मरीज है उसको साथ बिठा लेना है, जिससे उसकी गंध उसके सांसों के द्वारा अंदर जाए। उसके लिए फिर मंत्र बोलना है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ये 3 बार आहुति देनी है और इसके खूब अच्छे से स्मेल निकले, गंध निकलेगी और उसको कोई भी आदमी होगा उसको इनहेल करेगा, उसकी महसूस करेगा, तो उसके अंदर से एक नई ऊर्जा का विकास होगा और उसकी बीमारी की दूर होने में। कम से कम 3 बार करना है, ज्यादा 11 बार भी कर सकते हो, और कुछ लोग यदि करना और भी करते हैं तो 108 बार भी करते हैं महामृत्युंजय। ये मृत्यु को भी दूर भगाता है और उर्वारुक में पुष्टि सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, इसकी सुगंधि से पुष्टि का वर्धन होगा, ये महामृत्युंजय मंत्र के साथ में कर सकते हैं।
नमस्कार।